नमस्कार, आपका स्वागत है newsjio360.com में और ये हैं भोपाल की चार अहम खबरें। अमूल्यम ग्रुप के बिल्डर तथा पटवारी मुकुट सक्सेना की मिलीभगत से खसरा क्रमांक 131/1, 129 और 130/2 की भूमि का जाली हस्ताक्षर कर दस्तावेज बनाया गया और भूमि की बिक्री कर डाली। आवेदक ने संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 420 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अतिशीघ्र कार्रवाई की मांग की है। दिव्यांग बच्चों का धरना जारी, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की थी गुहार, लेकिन मामा जी रहे नदारद। आज जब इन दिव्यांगों ने सीएम से मिलने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने इन्हें बंधक बना लिया। प्रदेश के मछुआरा समिति की हुई आज बैठक, संबंधित मंत्री एवं कार्यकर्ता हुए शामिल, समिति के उद्देश्यों पर हुई चर्चा। आगामी चुनाव को लेकर सभी चुनावी पार्टियों में सरगर्मी बढ़ गई है। इसी क्रम में आज सपा ने भी अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलवाई, आने वाले चुनाव को लेकर हुई अहम बातचीत। सबसे पहले वो की समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करके सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन की तैयारी हो। दूसरा, मध्यप्रदेश की विधानसभा में अगली बार समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका हो, बिगैर समाजवादी पार्टी की प्रदेश सरकार न बन सके। आप देख रहे थे newsjio360.com, खबरें अलग अंदाज में।